नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में घमासान का दौर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कहते आए हैं कि उनके पास बहुमत का पूरा आंकड़ा है और वह फ्लोर टेस्ट को भी तैयार है। लेकिन शुक्रवार को गहलोत खेमे के सभी विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट करने के दौरान विधायकों का जो आंकड़ा सामने आ रहा था वह नंबर गेम में गहलोत के दांव की पोल खोलता नजर आता है। जैसे ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत को सत्र बुलाने की इजाजत दी, जिसके बाद गहलोत खेमे के विधायकों को अब जयपुर जैसलमेर शिफ्ट कर दिया गया है। शिफ्टिंग के दौरान विधायकों की जो संख्या सामने आई उससे गहलोत गुट के अब तक के दांव की पोल खोलकर रख दी है। कभी गहलोत कहते थे उनके पास 109 विधायक है, कभी कहते थे उनके पास 104। लेकिन जब जयपुर से विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया गया उसके दौरान महज 97 विधायक ही नजर आए। आपको बता दे, जब विधायक जयपुर से जैसलमेर रवाना हुए तब पहले हवाई जहाज में 54 विधायक चढ़े, दूसरे चार्टर प्लेन में मात्र 6 विधायक तो तीसरे प्लेन में 37 विधायक रवाना हुए। इस तरह से देखा जाए तो अब तक कुल विधायक 97 ही हुए हैं। आपको बता दे, गहलोत खेमे के विधायकों की शिफ्टिंग सीएम ने उस बयान के बाद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त की रेट बढ़ गई है। आपको बता दे, सीएम गहलोत को अब डर लगने लगा था कि निर्दलीय और कांग्रेस की बाड़ेबंदी में मौजूद सचिन पायलट के संपर्क वाले विधायक अब तितर बितर ना हो जाए। गहलोत कैंप के पास वर्तमान में मात्र 101 विधायक है जिसमें स्पीकर भी शामिल है। यदि एक भी विधायक के पाला बदलने का मतलब सरकार का गिरना तय है। विधायक फेयर माउंट से 16 दिन की बाड़ेबंदी से बोर हो गए थे। गहलोत ने कुछ नजदीकी विधायकों से राय ली, उसके बाद सैर सपाटे के लिए उनको जैसलमेर जैसे दूर दराज इलाकों में शिफ्ट किया गया है। वहीं आपको बता दें, इस बीच रक्षाबंधन, ईद और जन्माष्टमी जैसे बड़े पर्व हैं। इन पर्व पर विधायकों को घर भेजने का परिवार वालों का दबाव भी सीएम गहलोत पर बढ़ गया था। विधायकों की मांग थी कि अगर उन्हें न भेजे तो बहनों को राखी बंधवाने होटल में आने दें। दरअसल कुछ विधायकों ने तो सीएम गहलोत के सामने यह तक मांग रख दी थी कि उनको त्योहार मनाने के लिए पूरे परिवार को होटल में बुलाने की अनुमति दे। लेकिन दूसरी तरफ गहलोत खेमे में मौजूद विधायकों की निगरानी कर रही खुफिया एजेंसियों ने गहलोत को इनपुट दिए कि मामला ठीक नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए दूर दराज जैसलमेर यानी कि रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचा दिया। सूत्रों की माने तो गहलोत खेमे में 11 विधायक ऐसे हैं जो सचिन पायलट से काफी नजदीकियां बना के रखते थे, उन पर गहलोत की पैनी नजर बनी हुई है। और आपको बता दें, इन 11 विधायकों की गहलोत से शुरू से ही अनबन रही है, यानी कि गहलोत से ये नाराज थे। इन विधायकों में एक महिला विधायक भी है। साथ ही में आपको बता दें, अगर एक भी विधायक इधर से उधर होता है तो सीएम गहलोत की कुर्सी खतरे में आ सकती है। इसी वजह से गहलोत ने अचानक रणनीति बदली और विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट कर दिया।